इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को मिली जमानत, ऑल कदीर ट्रस्ट मामले में बड़ी राहत। सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ देखी फिल्म द केरला स्टोरी। लोक भवन में रखी गई थी खास स्क्रीनिंग। उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध विष्णु मंदिर की हालत जर्जर। मंदिर के पंडितों ने देवस्थान विभाग के खिलाफ किया विरोध। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नतीजे हुए जारी। 12वीं बोर्ड रिजल्ट में इस साल किसी स्टूडेंट ने 100% नहीं किया है स्कोर। 93.12% स्टूडेंट हुए पास। मोदी जी संविधान को मानिए। दिल्ली सरकार पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन से पहले पटना में अलर्ट मोड पर प्रशासन। एडीजी मुख्यालय से एसओपी हुआ जारी। 13 से 17 मई तक बाबा का होगा पटना में कार्यक्रम। बिहार पुलिस के एसआई ने चेकिंग के दौरान जहानाबाद में मार दी थी गोली। 45 दिन बाद नालंदा के युवक की मौत। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को एक ही आरोप में दी गई दो तरह की सजा। एचसी ने जताई हैरानी। मामले में आईजी से मांगा हलफनामा। हरियाणा पुलिस ने 100 करोड़ की साइबर ठगी का किया बड़ा खुलासा। 28,000 मामलों का चला पता। महाराष्ट्र में सियासी सस्पेंस बरकरार। अब उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष से कर दी 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द से जल्द फैसला लेने की बड़ी मांग।